हाय गाइस, आज मैं आपको एटॉमिक मास थ्योरी बताऊंगा। ये सबसे आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक तो नहीं है, लेकिन आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें सीखने ज़रूरी हैं। आपको मैं एटॉमिक मास बताने से पहले ये बता दूं, ये डेल्टन ने ये सोचा कि अगर कोई एटम है तो उसमें वजन होता होगा। तो वजन निकालने के लिए क्या किया उनने कि अब अपन वेटिंग मशीन पे तो उसको निकाल नहीं सकते, क्योंकि उनको अभी पार्टिकल्स का अनुमान नहीं है। जैसे आप निकाल लो, आपने है ना एक टुकड़ा रख लिया, जैसे 1 ग्राम का कॉपर सल्फेट ले लिया, तो उसमें बता दिया इतने टुकड़े हैं इसमें, तो आपने उसको उससे डिवाइड कर दिया, तो क्या आ गया आपका 1 एटम का क्या आ गया, मास आ गया। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते थे उस समय पर, क्योंकि अपन को पार्टिकल्स का भी अनुमान नहीं था और अपन को कुछ नहीं पता था उस समय। तब उनने, अभी भी अपन ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो उनने क्या किया, उन्होंने यह लगाया कि आप एक एटम को, जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को मैंने ले लिया 1 ग्राम, तो ऑक्सीजन जिन जिन के साथ रिएक्ट करता है उसके साथ मैंने उनका कंपैरिजन वाइज वजन निकाल लिया, ठीक है। तो सबसे पहले अपन को ऑक्सीजन लिया गया और इसकी यूनिट रखी गई यू, ठीक है। तो ऑक्सीजन को अपन ने क्या ले लिया सबके साथ, क्या कहते हैं, सबके साथ ज़्यादातर ऑक्सीजन बहुत चीज़ों के साथ रिएक्ट करता है। तो ऐसे मान लीजिए कार्बन मोनोऑक्साइड है CO, तो उसमें 3 ग्राम कार्बन है और 4 ग्राम ऑक्सीजन है। तो अपन ये कह सकते हैं कि कार्बन कंबाइंस विद 4/3 times इट्स मास ऑफ ऑक्सीजन। मतलब क्या किया मैंने कि है ना कार्बन को ले लिया 3, तो है ना ऑक्सीजन क्या ले लिया 4/3, जिससे 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे, इसमें 4/3 × 3 है इसमें, तो 3 और 3 कैंसिल हो गए, तो ऑक्सीजन कितना आ गया, ऑक्सीजन का मास 4 आ गया। तो कंपैरिजन में जब निकाला गया तो इसकी यूनिट जो है वो यू रखी गई, जिसका मतलब होता है यूनिफाइड मास। पहले इसकी यूनिट AMU रखी गई थी, लेकिन आज उसकी यूनिट यूनिफाइड मास रखी गई है। ये कुछ सिंबल्स थे, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज़ उनको देख लीजिए, क्योंकि उन वीडियोस में बहुत कुछ है और वो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। अब अपन ने ये सोचा कि ऑक्सीजन को ही क्यों लिया, क्योंकि ऑक्सीजन रिएक्ट विद अ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड फॉर्म कंपाउंड। मतलब वो बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ है ना रिएक्ट करता है और कंपाउंड बनाता है, ठीक है। और इसका जो एटॉमिक मास है वो मोस्ट एलिमेंट्स के होल है, मतलब इससे जो एटॉमिक मास निकल रहा है ना वो बहुत सारे एलिमेंट्स का होल नंबर में निकल रहा है। लेकिन बाद में साइंटिस्ट ने कार्बन 12 ले लिया, इस कार्बन 12 का आइसोटोप ले लिया, कार्बन का आइसोटोप 12 ले लिया। तो उसमें क्या किया है कि 1/12 के साथ किसी का भी इंटू करके अपन ने क्या निकाला, एटॉमिक मास निकाला। जैसे अपन एक फ्रूट सेलर का एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे उसने एक वाटरमेलन है, उसके 12 इक्वल पीसेस कर लिए और उसका जो 1 पीस है उसके अकॉर्डिंग वो बाकी सारे फ्रूट्स भी सेल कर रहा है, ठीक है। तो वो बोल रहा है ये इतने ग्राम का है, उसके पास कोई स्टैंडर्ड कोई वो नहीं है, वेट का जो टूल होता है अपने पास, जिसको अपन क्या कहते हैं, जो भी कहते हैं, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। तो ऐसे वो क्या कर रहा है, बाकी सारे का भी कंपैरिजन में जो वेट है वो निकाल कर सेल कर रहा है, ठीक है। तो अब रिलेटिवली मास देख लेते हैं कि कितने कितने का रिलेटिव मास निकला कार्बन आइसोटोप से। तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं, इनका कार्बन आइसोटोप से मास निकला है हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16। इससे देखो कितने सारे नंबर्स का होल नंबर में निकला है, लेकिन क्लोरीन का 35.5 है। अब एटम एग्जिस्ट कैसे करता है, मतलब एटम आपको ऐसे तो ही मिल जाएगा, सिंपल एटम है, एटम है ना मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं या फिर आयन बनाते हैं। तो एटम ऑफ मोस्ट एलिमेंट्स आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते। अगर क्यों नहीं करते, या फोर्थ चैप्टर में सीखेंगे आप, थर्ड चैप्टर अभी देख लीजिए, फिर फोर्थ चैप्टर देखिएगा और फिर थर्ड चैप्टर देखिएगा, तो आपको थर्ड और फोर्थ चैप्टर पूरी केमिस्ट्री क्लियर हो जाएगी। एटम फॉर्म मॉलिक्यूल्स एंड आयन, दीज मॉलिक्यूल्स और आयन एग्रीगेट इन लार्ज नंबर ऑफ लार्ज नंबर्स टू फॉर्म द मैटर दैट वी कैन फील और फील टच। मतलब अगर इससे जब वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में जब इकट्ठा हो जाते हैं और कुछ बन जाते हैं, तब अपन उनको सी देख पाते हैं या फिर फील कर पाते हैं या फिर टच कर पाते हैं। अब मॉलिक्यूल क्या चीज़ होती है, मॉलिक्यूल में बताऊँ तो मॉलिक्यूल जो होता है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स एक दूसरे से जुड़े आते हैं, केमिकली बॉन्डेड हो जाते हैं टाइटली अट्रैक्शन फोर्स के कारण। मॉलिक्यूल कैन बी डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड दैट इज कैपेबल टू बे इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट। रहने के लिए उन्हें मॉलिक्यूल्स बनाने पड़ते हैं, शो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सब्सटेंस, एटम ऑफ सेम एलिमेंट्स और डिफरेंट एलिमेंट कैन जॉइन टुगेदर। मतलब सेम एलिमेंट्स के भी मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। हीलियम है, हीलियम में 2 एटम होते हैं, हीलियम मॉलिक्यूल में 2 एटम होते हैं। हीलियम सिंगल एटम एग्जिस्ट नहीं करता, उसको डबल करके दोनों साथ में रह के एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो हीलियम का एग्जांपल है, तो उसमें सेम एटम हो गया। और अलग एटम में क्या ले सकते हैं, जैसे NaCl है, सोडियम क्लोरीन, ठीक है, ये आयन था NaCl। और भी बहुत सारे जो है वाटर है, जैसे वो H2O में रहता है,
उससे कम ज़्यादा मैं नहीं दे सकता। अब मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, अब मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स के जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट आर कंसिस्टिंग बाय द सेम टाइप ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल ऑफ मेनी एलिमेंट्स सच एज आर्गन एंड हीलियम, ये सेम टाइप के एटम से ही क्या बना लेते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं, आर मेड अप ऑफ ओनली वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट, बट दिस इज नॉट द केस विथ मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल, ये ऐसा हर नॉन मेटल के साथ नहीं होता। मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कंसिस्ट टू एटम ऑफ ऑक्सीजन, हैंस इट इज नोन एज डायटोमिक मॉलिक्यूल, जिसे अपन ओ टू कहते हैं। इफ थ्री एटम ऑफ ऑक्सीजन यूनाइट इंस्टीड ऑफ यूजुअली टू, वी गेट ओजोन, मतलब अगर अपन दो को मिला दें तो वो ओ टू बन जाएगा ऑक्सीजन, और अगर तीन एटम अगर ऑक्सीजन के मिलके बने तो वो ओजोन बन जाते हैं। द नंबर ऑफ एटम कंसिस्टिंग ऑफ मॉलिक्यूल इज नोन एज अ एटोमिसिटी, मतलब वो कितने नंबर को लेके रखा है, जैसे मैंने बोली दो एटम को लेके रखा है तो वो मोनो एटोमिक हो जाएगा, ठीक है, मोनो एटम में मतलब सिंगल, दो एटम को डाई एटोमिक, फिर फोर चार को टेट्रा पॉली, ऐसे सबके रहते हैं। तो आर्गन है वो देख लीजिए, नॉन मेटल्स कुछ टाइप दिए, उनके नाम दिए और एटोमिसिटी बताइए कि इसमें कितने एटम हैं। अब मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, अब कंपाउंड के भी मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, जैसे H2O है, तो इससे कैसे बन, ये भी एक मॉलिक्यूल है, इसको भी मैं बता सकता हूँ, और मैं आपको बता दूँ मैंने फर्स्ट चैप्टर और सेकेंड चैप्टर की वीडियो भी अपलोड करी है, तो आप वो भी देख लीजिए क्योंकि वो भी बहुत देखना ज़रूरी है, ठीक है। तो अब अपन क्या देख रहे थे, सॉरी एक मिनट में आने वाला है, अभी आपके लिए चैप्टर बहुत बड़ा है, तो आप धीरे धीरे वीडियोस आती आ रही हैं, आप देखते जाइए, नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, अगर आप वन मंथ बाद देख रहे होंगे इस वीडियो को तो अपलोडिंग डेट देख लीजिए। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट जॉइंट टुगेदर इन डेफिनेट प्रोपोर्शन टू फॉर्म मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स, मतलब वो डेफिनेट प्रोपोर्शन में मिल जाए तो वो क्या बन जाते हैं, कंपाउंड के मॉलिक्यूल बन जाते हैं। कंपाउंड मॉलिक्यूल क्या होता है, जिसमें एटम जो होता है वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है, एटम मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं, तो वो कंपाउंड के भी हो सकते हैं, एलिमेंट्स के भी हो सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके वाटर बनाते हैं तो 1:8 के मास में रहते हैं, किसमें, प्रोपोर्शन में। ऐसे ही अमोनियम क्लोराइड है, अमोनिया है, उसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन होते हैं जो 14:3 में रहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड में 3:8 में। एक्टिविटी ये देख लीजिए, आपको इसमें सिंपलेस्ट रेशियो में निकालना है, तो देखिए सबसे पहले रेशियो बाय मास, मास क्या क्या अंतर है, मास में अंतर है 1:8, क्योंकि हाइड्रोजन का जो मास होता है वो कितना होता है 1, और ऑक्सीजन का क्या होता है 8, तो इसमें जो ऑक्सीजन का जो मास है, ठीक है, इसमें जो दिया है, मतलब ये 1:8 में निकाला है ना, वो लिख लिया अपन ने। फिर एटॉमिक मास क्या होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है एटॉमिक मास, या एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, ये सारी चीज़ें मैं आपको कुछ दिन बाद अपलोड कर दूंगा तो आप लर्न कर लेना। ऑक्सीजन का क्या होता है 16, ठीक है। अब मास अपन एटॉमिक मास निकाल के अपन कितना निकाल सकते हैं, कितनी कितनी इसमें अमाउंट होगा, कितना अमाउंट, मतलब कितने कितने एटम है इसमें, तो ठीक है, तो इसमें मास रेशियो अपॉन एटॉमिक मास निकाल लेते हैं, तो क्या आएगा 1/1 = 1, ए पर अपॉन 16/1/2। तो अब इनको अपन को होल नंबर में आना है, होल नंबर में आने के लिए 1 का 2 से इंटू कर देंगे तो 2 आ जाएगा, 1/2 का इंटू 2 से कर देंगे तो 1 आ जाएगा, तो यानी सिंपलेट रेशियो क्या होगा 2:1, मतलब हाइड्रोजन के 2 एटम होंगे और ऑक्सीजन का 1 एटम होगा। अब व्हाट इज आयन, आयन क्या होते हैं, आयन वो होते हैं जब जैसे कोई एलिमेंट है, मैं एटॉमिक नंबर के अलावा इलेक्ट्रॉन्स का भी खेल लेता है, तो अभी आयन जो टॉपिक है ये थोड़ा कठिन हो सकता है, क्योंकि इसमें आपको एटॉमिक नंबर पहले याद करने पड़ेंगे और इनमें क्या क्या चार्ज रहते हैं वो सारे याद करने लगेंगे, और क्यों रहते हैं ये चार्ज आपको वो याद रखना पड़ेगा। अभी तो आप इनको लर्न कर लीजिए जैसे भी हो सके, बाद में मैं कुछ ही दिन बाद आपको इनको पूरा एक मेथड बताऊंगा, इनको लर्न कैसे करते हैं, इनकी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैसे निकालते हैं। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ऐसी और वीडियो चाहते हैं तो हमें मोटिवेट करने के लिए कमेंट करके बताइए कि आपको कहाँ वीडियो में कुछ गड़बड़ लगी हो, कहाँ बिल्कुल सही हम जा रहे हैं, तो कमेंट करके हमें अच्छे से बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और एक बात और, आपको जो वीडियो दिख रही है आपको जो, वो 720 मेगापिक्सल्स में है, अगर आपने मेगापिक्सल्स कम में देखी तो आपको ये वीडियो ब्लर हो रही होगी, अगर आपको 1080 मेगापिक्सल्स में वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट कीजिए, क्योंकि अभी वीडियो बहुत ब्लर हो जाती है तो समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।